नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, CNI यानी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जी हां, आज की खास बात में कुछ अहम जानकारी के साथ मैं आप तक आया हूं। CNI NDTA और CNI SSI ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि NDTA और SSI ये दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और SSI NDTA से सन 1971 से लगभग 27,000 स्क्वायर फीट ज़मीन लीज पे लिया करती थी। NDTA को कभी इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि SSI ये एक सोशल वर्क करते हैं, सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट है, तो SSI हमेशा इस जो लैंड है, जो ज़मीन है, इसका अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में एक सामाजिक कार्य के लिए इसका उपयोग करते आई हैं। लेकिन 1971 के बाद सन 2021 में, यानी कि 50 साल के बाद कुछ अलग हुआ यूं कि NDTA के जो ट्रस्टी, जो मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके मेंबर 2021 में बदल दिए गए, यानी कि पुरानी जो बॉडी थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया और 2021 में नई बॉडी का गठन हुआ, और जिसमें कई नए लोग जुड़े, और नए लोग जुड़ने के बाद मामला कुछ बदल सा गया। मामला बदला यूं कि जो 27,000 स्क्वायर फीट SSI के पास लैंड लीज में उसके पास हुआ करती थी, उसे NDTA को उससे तकलीफ होने लगी, यानी कि जो नए मेंबर NDTA में जो जुड़े 2021 में, उसे 27,000 स्क्वायर फीट ये ज़मीन खटकने लगा। दोस्तों, उसमें से मामला तब सामने आया जब लगभग 3,000 स्क्वायर फीट के एक ज़मीन है, जिस ज़मीन को हॉल है और उस हॉल पे अभी काम भी चल रहे हैं, तो कि वो काम जबरदस्ती अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप SSI का है। यानी कि SSI का ये कहना था कि इस लैंड को हमने 2038 तक के लिए अभी लीज पे लिया हुआ है, जिसका डॉक्यूमेंट्स SSI के पास में है। लेकिन 2021 में जब NDTA की नई बॉडी का गठन हुआ, उसने, उनका ऐसा कहना है कि हमने उनकी लीज की जो पॉलिसी थी, हमने उनका लीज रद्द कर दिया है और अभी वो हमारी ज़मीन है। यानी कि मामला ज़मीन का है। NDTA के सेक्रेटरी से जब हमने बातचीत की, जिनका नाम है मंजूषा जी, मंजूषा मैम से बात हुई, और मंजूषा मैम बिशप जो स्कूल है VCA ग्राउंड के पास में, उनकी प्रिंसिपल भी हैं, उनसे जब हमने बातचीत की, उनसे बातचीत में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ या तो वो जानकारी हमसे छुपा रही हैं या फिर वो हमसे शेयर नहीं करना चाहती हैं। पहले उनसे हमारी क्या बातचीत हुई, हम आपको वो सुनाते हैं। सर, ऑलरेडी मैटर इज इन कोर्ट, जो सब्सिडाइज मैटर है उस पर हम ना चर्चा करें तो बेटर रहेगा। मतलब आप इस मैटर पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं? नहीं, हमारा ट्रस्ट ने जो डिसीजन लिया है, हमारे वकील ने उसको इम्प्लीमेंट किया है कोर्ट में, केस उन्होंने फाइल किया है, तो यस मैम, वो आप कोर्ट में क्या कर रहे हैं सर, वो मैम वो आपका मैटर है, नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। वो तो मैं कोर्ट के बारे में आपसे पूछना भी नहीं चाह रहा हूँ। मेरे सवाल कुछ और, आपकी जो NDTA है वो SSI को लैंड लीज पे दी थी, एम आई राइट? हाँ, हमारे ट्रस्ट ने हुआ था। यस, वो कब तक था उनका लीज का डेट, अभी जो एक्टिव मोड है? वो आइडिया नहीं है मैम आपको। मैम, अभी इस वक्त मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आई कैन नॉट आंसर दोस क्वेश्चंस गिविंग यू कॉन्क्रीट डेट्स एंड पीरियड एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं सिर्फ इतना बता दिए, लास्ट क्वेश्चन, कि आपने जो आपके पास जो NDTA के पास जो लीज पे जमीन है वो गवर्नमेंट से है, जैसा कि आपने बताया, तो आपका और गवर्नमेंट के साथ में जो लीज एग्रीमेंट होगा वो अभी एक्टिव मोड में है? अप्लाई कर दिया है रिन्यूअल ऑफ लीज के लिए। मैम, कब से अप्लाई किया हुआ है? वो तो मेरा ऑफिशियल रिकॉर्ड ही देखकर बता पाऊंगी। अच्छा, यानी कि अभी आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी आपने गवर्नमेंट को लीज का अमाउंट दिया नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज चालू है सर, दिया है नहीं दिया है ये तो मैं आपको, बोले ने कहा ना कि मेरी दीज आर पेपर्स एंड फिगर्स व्हिच यू आर आस्किंग। Yes, ma'am, and I said I'm not able to give you those, I'm not in a position to give you those things. And while we are discussing, first of all, मैंने तो सबसे पहले आपको यही कहा कि सबसे पहले तो ये मैटर सब्सिडाइज है। We should not be putting these papers in the media. We don't wish to put these information in media when the matter is already in the court.
लेकिन मैम आपसे मैंने बताया कि मैं पब्लिक यूज के लिए आपके बाइट को हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पब्लिक यूज के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो ये मैं आपको मैं बता के ही ये सारी चीजें कर रहा हूँ। हमारा बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए बताया ना आपको कि मैं इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ अभी आपको। लेकिन मैम एक बात है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास जो लैंड है जो गवर्नमेंट के साथ आप लीज करते हैं, आपने अभी तक उसमें वो आपके पास में जो भी है अगर उन्होंने दिया है आपको तो that is their part of the story. You will always have to find out the second part of the story. नहीं, अगर आपने गवर्नमेंट के साथ में अगर अभी प्रोसेस में है और आपका लीज डेट आउट हो चुका है तो उस आउट डेट में आप किसी का लीज कैंसिल विदाउट नोटिस कैसे कर सकते हैं? किसने कहा आपको कि विदाउट नोटिस किया? मैं आपसे वही कह रही हूँ कि एवरी सब फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट हुई है। आपका कहना है कि आपने नोटिस दिया? नहीं, नोटिस मतलब नॉट नोटिस एग्जैक्टली, बट जो जो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है आर चेयरमैन हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड यही होती है कि अगर हम किसी का टाइम से पहले अगर कैंसिल करते हैं, चेयरमैन बेटर आंसर करेंगे आपको, है ना मैम? चेयरमैन ही आपका नंबर देंगे? चेयरमैन है, चेयरमैन जी का नंबर देंगे इस वक्त तो नहीं है मेरे पास में, एज आई सेड आई एम ट्रैवलिंग और वो भी नागपुर में अवेलेबल नहीं है। मंजूषा मैम से बात करके ये समझ में आ रहा है कि अगर SSI का लीज उन्होंने रद्द किया है तो कोई रिटर्न नोटिस या फिर किसी प्रकार की जानकारी SSI को नहीं दिया गया, और इसकी पुष्टि हमने SSI के सेक्रेटरी आराधना उपाध्याय मैम से भी हमने बातचीत की। या फिर उन्होंने कोई लिखित रिटर्न में कुछ आपके पास मिला क्या, नोटिस या फिर कोई भी चीज? जी नहीं, हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है। NDTA की तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं जी, रिटर्न में आपके पास कुछ नहीं मिला? पर हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं है। हम तो कुछ मांग रहे हैं उनसे कि आपने किसको लीज पे दिया है, क्या आप जो जमीन हमारे कब्जे में है वो आप किसी को दे रहे हो, तो हमें कोई लिखित दस्तावेज तो दीजिए कि आपने किसको दिया है, क्या दिया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आराधना उपाध्याय जी का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत पेंचीदा है, और ये मामला आगे इतना बड़ा हो चुका है ये कोर्ट में जा चुका है। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले अनेक कड़ी हैं जो मैं समझता हूं कि हर एक लोगों को पता होना चाहिए और आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसलिए BCN आप तक इस मामले से जुड़े हर जानकारी आप तक लेकर आते रहेगा। फिलहाल अगले एपिसोड में हम इससे जुड़े अहम जानकारी बहुत जल्द आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल मामला NDTA और SSI के बीच लीज का है। इस बीच एक और मामला समझ में आया बातचीत में कि NDTA के पास जो जमीन है जो SSI को लीज पे दिया करती थी पिछले 50 साल से, NDTA वो जमीन सरकार से लीज पे लिया करती थी। जैसा कि हमने मंजूषा मैम से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या आपने सरकार के साथ में जो लीज एग्रीमेंट है उसको आपने फुलफिल किया है, आपने उसके पैसे भरे हैं, तो उनका ऐसा कहना था कि अभी हमने प्रपोजल दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ें साफ हो रही हैं कि सरकार के साथ में जो उनकी लीज एग्रीमेंट है वो पूर्ण नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल है, यानी कि उनका पैसा नहीं भरा गया है। अर्थात ये ज़मीन इस वक्त अगर वो लीज के पैसे नहीं भरती है, ये ज़मीन NDTA की भी नहीं होती है, यानी कि इस ज़मीन पे डायरेक्ट अगर फिर किसी का अधिकार है तो NDTA का नहीं है, NDTA का ना होकर के वो सरकार का अधिकार है। आने वाले अगले एपिसोड में अहम जानकारी बहुत जल्द और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहें इन BCN न्यूज़ अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।